हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। कैसे हो आप सारे? आप सोचोगे आजकल मैं फटाफट लाइव क्यों आ रहा हूँ। मैं लाइव आया हूँ आपको गुजारिश करने, आपको रिक्वेस्ट करने कि आप मेरी NFT खरीदो इंट्रोडक्शन की, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए और मेरे लिए भी। सिर्फ 1 मिलियन कॉपीज़ हैं वो, और पहले 1 मिलियन कॉपीज़ खरीदने वाले सब्सक्राइबर बन जाएंगे मेरे NFT सेक्शन में, मेरी पर्सनल लाइफ में। मेरे स्पेशल फैंस बन जाएंगे, मेरे हार्डकोर फैंस बन जाएंगे, और उसके बाद आगे जितनी भी NFTs आया करेंगी एक्सक्लूसिव उनको एक्सेस मिलेगा बहुत सारी चीज़ों का। और NFT जिनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या चीज़ है, देखो ये एक तरह की ऐसी चीज़ है कि जो आप ख़रीदोगे तो आप उसके ओनर बन जाओगे, और आप एक से ज़्यादा NFT भी ख़रीद सकते हो। आप 10 NFT खरीद सकते हो, 100 खरीद सकते हो, 1000 खरीद सकते हो, जितना आपका बजट है। और आगे जब इस NFT की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हम और कॉपीज़ नहीं रिलीज़ करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप अपनी NFT महंगे दामों में बेच सकते हो, इससे पैसा भी कमा सकते हो, इसे ट्रेड कर सकते हो। सो ग्लोरी NFT सिर्फ $1 की है। इससे महंगा तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर आता है मेरे दोस्त, इससे महंगा मैकडोनल्ड्स का बर्गर आता है जो सहेली के साथ आप खाने जाते हो। तो अगर इफ़ यू रियली लव योर योहानी सिंह, देन यू शुड बाय माई $1 NFT ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोरी। और ग्लोरी में तो 18 गाने हैं जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन कहीं नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के पास होगा जो लोग इसकी NFT खरीदोगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ एवरीबॉडी इसे खरीदिए। 18 जुलाई को ये रिलीज हो जाएगी। खरीदना बहुत आसान है, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक आएगा, लिंक पे आएगा बाय नाउ। बाय नाउ के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है बस, और पेमेंट कार्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है और डालना है। हमने कोशिश बहुत करी UPI से कनेक्ट करने की, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम और लगना था, तो इस वजह से हमने UPI नहीं कर पाए इसके साथ। लेकिन जो आगे NFT आएंगी 2-3 महीने बाद ग्लोरी के रिलीज़ के, वो डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि हम UPI कनेक्ट करें। मनशील व्हाट्स हैपनिंग? सो एवरीबॉडी गो एंड बाय। और ईमेल पे सीधा आप NFT खरीदते ही आपके ईमेल पे NFT आ जाएगी, जो हमेशा के लिए सेव रहेगी, और आप उसके ओनर बन जाएंगे। और एक NFT खरीदिए, 10 खरीदिए, 100 खरीदिए, 1000 खरीदिए, लाख खरीदिए, या एक ही बंदा मिलियन कॉपीज खरीद ले तो मज़ा ही आ जाए। तो दिलजीत ब्रदर व्हाट्स हैपनिंग, और दिलप्रीत ब्रदर, सॉरी दिलजीत बोलता मैं, क्योंकि दिलजीत इज माय हार्ट, दैट्स व्हाई मुंह तो निकल गया ना पर आधा मेरे। सो एवरीबॉडी ग्लोरी बहुत जल्दी अगस्त में हम रिलीज करने वाले हैं। बहुत काम बढ़ गया है क्योंकि नए गाने 8-9 ऐड हुए हैं एकदम से, तो उनकी मिक्सिंग मास्टरिंग कल जाके मैंने फाइनल। हाय रेमा, व्हाट्स हैपनिंग रेमा? सो आईव कम्प्लीटेड द म्यूजिक ऑफ द एल्बम लास्ट नाइट एंड इट्स साउंडिंग अमेजिंग। ऑल द 18 सॉन्ग्स आर साउंडिंग डोप। नाउ वी हैव टू मिक्स इट एंड मास्टर इट। सो द होल जुलाई वी गोना टेक टू मिक्स एंड मास्टर, एंड आई एम ट्रैवलिंग अ बिट एज वेल, सो इट्स गोना बी लिटिल टफ to finish the whole album, but anyhow we're gonna release the album in August, that's for sure, because in September we're going to Australia New Zealand tour baby, and we're gonna perform Glory exclusive over there. One more thing, jo log meri NFT khareedenge 1 million subscribers, pehle 1 million subscribers wo mere ek special fan mein aa jayenge, aur mere kai shows pe हम उनको इनवाइट करा करेंगे स्पेशल बूथ में, जहां वो फ्री में आ सकेंगे, क्योंकि वो मेरे NFT बायर्स होंगे।
ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ NFT बायर्स को मिलने वाली हैं, और जितनी ज़्यादा आप NFT खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। सपोज़ आपने 500 NFTs खरीद ली, विच इज़ अबाउट $500, आपने $500 इन्वेस्ट कर दिए, आपको लगा कि हाँ इसका प्राइस बढ़ रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं और जो नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड कॉपीज थी, तो 500 में से 200 कॉपीज उनको बेच दीजिए। आपने $1 की खरीदी तो आप उनको $5, $10 की, आपकी मर्जी है, आप प्राइस डिसाइड करके उनको बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस करना मैंने अपने फादर से सीखा है और बिजनेस में मैं बहुत अच्छा हूँ, जैसा कि मेरे यार दोस्त बोलते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और सिर्फ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक पीस ऑफ लव है, एक स्पेशल पीस ऑफ लव है जिसके आप हकदार होंगे। पहली बार कोई ऐसी चीज होने जा रही है। नितिन भैया, जय माता दी, समोरा, व्हाट्स हैपनिंग। नितिन भैया, हर हर महादेव। मैं सलोन तो होके आया, देखो। राघव शर्मा, हरप्रीत, व्हाट्स हैपनिंग हरप्रीते, चलेगी तू इंग्लैंड, दुबई नहीं मिस कर दी हूं। सारंग नाले पंजाब आ जाओ हूं छेती ब्रो, पंजाब ते ब्रो गेड़ा नहीं लगना सारंग ब्रो, तुसी आए जे दुबई ते दस्यो, तुहानू सुनाउने आ ग्लोरी। इंटरनेशनल विलेजर बनी सी याद है मेरे भरा नू, साडे वड्डे भाजी जिन्हां नू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, सरदूल सिकंदर भाजी इंटरनेशनल विलेजर वन च सीगे ते सारंग ते अलाप दोवें सीगे उत्थे, आपां किद्दां ओह ट्रैक बनाया यादां सुनाओ। ग्लोरी इज ऑलमोस्ट अ रिफ्लैक्शन, अ बैटर रिफ्लैक्शन ऑफ इंटरनेशनल विलेजर, क्योंकि ये जो बहुत फ्यूजन कोलैबोरेशंस कीतियां मैं। समोरा, मिसिंग यू टू बेबी, बैड बॉय बॉबी रंधावा, ओ जी मेरी जान, इंग्लैंड घूमता फिर जट, धमाला पाता बर्मिंगम शहर च। सो हू एल्स इज कमिंग, हू एल्स इज देयर, Glory, glory, waiting for you, bro. Glory gonna be massive, I'm telling you. भोलेनाथ ने बनवाई है ग्लोरी जादू मंत्र से, अपने आप बना जो सब कुछ बना, हम तो सिर्फ जरिया हैं छोटा सा। जॉर्डन संधु मेरी जान, डैशिंग वोकल, डैशिंग सरदार साडा पंजाब तो, जॉर्डन संधु ब्रो, थैंक यू फॉर योर विशेज। लेना, व्हाट्स हैपनिंग। ऋषभ डैंग, सॉल्ट एंड पेपर ब्रदर जस्ट लाइक मी। मीर गुलाटी नहीं आया आज, हीरा है सदा के लिए, हीरा ऑल्सो ज्वाइन। मीर गुलाटी नहीं आया आज, नींद आ रही है मेरे को अभी तक, सुबह बड़ा लेट सोया हूं मैं, काम कर रहा था, इतना एक्साइटेड हो गया था क्योंकि खीला ट्रैक बहुत जबरदस्त था जो मैंने फिनिश किया, और उसके बाद मैं बेडरूम में जाके भी ना स्पीकर लगा के उसको सुनता रहा, इतना हाइपर हो गया था। फिर बड़ी देर बाद नींद आई, और फिर अभी सुबह उठते ही सलोन जाना है क्योंकि मैं आ रहा हूँ इंडिया अनंत भाई की वेडिंग पे परफॉर्म करने, बड़े शॉर्ट ट्रिप के लिए, जस्ट फॉर वन डे।
my little little darling brother Anant Ambani's wedding. I still remember when he used to come down for my shows in 2012. He used to come down in school uniform. So I'll make sure कि मैं उसको वापस वही यादें ताज़ा कराऊं और सबको मस्ती कराऊं. बहुत मज़ा आने वाला है, सब मिलने वाले हैं, सलमान भाई, शाहरुख भाई, सबको नचाऊंगा, मज़े आने वाले हैं. It's gonna be crazy. Yeah, Sarang bro, come to Dubai anytime. Just let me know. I'll make you hear the album, bro. You will love it. Meer Gulati aa gaya. Meer Gulati aa gaya. Meer Gulati aa gaya. Ji Meer Gulati aa gaya. Meer Gulati jai mata di. मीर गुलाटी मेरे लाइव में ना आए तो भैन जो मेरा, ओ सॉरी गल नहीं देनी, तो मेरा लाइव इनकम्प्लीट हो जाता. क्यों मीर गुलाटी? हाय पत्रिसिया, पत्रिसिया व्हाट्स हैपनिंग पत्रिसिया. आई सॉ द मिलियनेयर एंड इट्स, यू आर लुकिंग अमेजिंग इन इट. Heera Sohal is typing looking hearts. Heera, kya baat hai? Patricia, I'm good. Patricia, Amit Badana, bhai, Har Har Mahadev. हर महादेव, कैसे हो मेरे भाई? आओ कभी दुबई तो बताना. श्रेजदा श्रेजाद बॉम्बे, आई एम कमिंग ऑन 12th जस्ट फॉर वन डे एंड जस्ट गोइंग बैक ऑन 13th. आई एम गोइंग टू द स्टूडियो राइट नाउ, LPME studio where we recorded Whole Glory. I got the studio at home as well, but over there I just produce and we just write and we record everything at LPME. It's one of the finest studios in the world ever, and the finest engineer ever. Mo is amazing over there. आ जाऊंगा आपके पास, रहूंगा आके. नोएडा कब आ रहे हो बड़े भाई? नोएडा नहीं आ रहा भाई अभी मैं, अब नोएडा चक्कर नहीं लगेगा. 4-5 महीने तो इंडिया चक्कर नहीं लगेगा अभी. चाह पीनी है? चाह मैं पींदा नहीं. Bonafide, my Sean is here. Much love, brother. Sean, guess is back again from Motherway, make you crunk again. Any other day, we can spin your brain into another frame. It's Mr. Sean and with your boy Honey Singh. Sean ने मेरा rap लिखा था 2005 में अंग्रेजी में, और Sean ने मुझसे अंग्रेजी गवाई जबरदस्ती. मेरे को तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी. Sean कहता no bro you have to sing. फिर मेरे को उसने छोटी छोटी चीजें भी बताई. Freak that baby वो सब भी गाया मैंने. तू आ जा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज. I want you my baby. So everybody, अब मैं चलता हूँ. कुछ और ज्यादा लोग मेरे जानने वाले तो आ नहीं रहे हैं. फैंस आ रहे हैं और लिखे जा रहे हैं. I want to visit Mumbai, Patricia. Okay, visit Mumbai, Patricia. I don't live in Mumbai. I live in Dubai. When you come to Dubai, just let me know. Patricia, Mumbai is cool. I'll send you my friend's number. They take care of you if you want to go there.
मीर भाई आ जाओ जब मर्जी आ जाओ, दुबई आ जाओ, 2 दिन का चक्कर लगा लो, आपको ग्लोरी सुनाता हूँ, कुछ आपका भी माइंड फ्रेश होगा, आपको पता लगेगा कि आने वाली दुनिया में आने क्या वाला है और किस चीज की नकल होने वाली है आने वाले दौर में, तो वो आपको आके पता चलेगा। मीर भाई आओ आप मेरे पास, कभी भी मेरे को मैसेज करो, अभी इंस्टाग्राम पे फिक्स करो, आ जाओ 2 दिन के लिए, सुनाते हैं, आपका दिमाग घुमाते हैं, आपको वीडियो भी दिखाते हैं, हमने मिलेनियर शूट कर लिया है, बाकी आप आओ फिर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अगले वीडियोस प्लान करते हैं, आपके साथ भी कुछ क्रेजी क्रेजी चीज़ें करते हैं, इस बारे बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत क्रेजी बैब है, बहुत क्रेज है बैब है। आई एम सो हैप्पी आफ्टर सो लॉन्ग, यू नो, लास्ट नाइट आई सेड समथिंग वेरी स्पेशल टू लियो after making that song which I made last night, a feeling like I got that same vibe back again of 2011 and 12 as a producer, when I used to respect my work a lot, when I used to adore my work a lot. So what I made last night is really, main dekho apne fans ke liye to kaam karta hi karta hu, मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ अपने आप को खुश करने के लिए, कोई भी गाना बनाता हूँ कि मुझे खुश करना चाहिए पहले, तो कल मैं खुश हुआ कि हाँ जिस तरह ग्लोरी पूरी डिज़ाइन हुई, और इतना मैं बोलता नहीं हूँ कभी किसी भी प्रोडक्ट को लेके, आप मेरे को जानते हो, मैं इतना कभी प्रमोट नहीं करता हूँ और कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करने में बिलीव करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, भोलेनाथ की बहुत मेहर है मेरे पे कि ये चीज़ हुई है और हमने फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम अगले 10-15 साल तक कह सकते हैं। जैसे आज हम अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग और डोप शो, ये 13-14 साल पुराने गाने, हाय मेरा दिल, इनको कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ बनाया था उस वक्त में, तो आज वापस भोलेनाथ की वजह से वो टाइम आया है कि हमने कुछ ऐसा बनाया कि जिसे हम अगले 10-12 साल बाद भी सुनेंगे तो बड़ा प्राउड महसूस करेंगे कि हाँ हमने कुछ बनाया था। तो ये सब आपके प्यार की वजह से फाइनली ये सब हो पा रहा है, और अब मैं चलता हूँ मेरे दोस्तों, आपसे इजाज़त लेता हूँ। NFT ज़रूर बाय कीजिएगा मेरी, अगर आप मुझे प्यार कर सकते हैं, प्यार करते हैं तो प्लीज़ आप ये ख़रीद सकते हैं, सिर्फ $1 की है, थोड़ा सा उस पर 20-25-30 सेंट्स का टैक्स है और फीस है, तो इस जस्ट 90 रुपये की आपको शायद पड़ेगी ऑलमोस्ट, तो ज़रूर ख़रीदिएगा ग्लोरी इंट्रोडक्शन NFT। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो मैं NFT पे बहुत कुछ रिलीज़ करने वाला हूँ, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, भोलेनाथ हमारे साथ हैं, मेरे फैंस मेरे साथ हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तो एवरीबॉडी ऑल द फैन पेजेस शोर मचा दो, सबको बोलो, अपने रिश्तेदारों को बोलो, भाइयों को बोलो, बहनों को बोलो, दुश्मनों को बोलो कि NFT खरीदें, और थैंक यू एवरीबॉडी, मच लव, पीस आउट, साइनिंग ऑफ।